इसी बीच आपको बता दें, जिला बनाने की मांग पर बड़ी खबर सामने आई है। सरकार में उच्च शिक्षा व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है। 1 जनवरी तक कोटपुतली को जिला बनाओ, अन्यथा मैं मंत्री और विधायक पद छोड़ दूंगा। राजेंद्र यादव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। प्रदेश में लंबे समय से नए जिले बनाने की हो रही है मांग, और ऐसे में कोटपुतली को भी नया जिला बनाने की मांग यहाँ पर रखी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साथ ब्यूरो हेड सुशांत पारेख हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशांत, बड़ी खबर यहां पर, हालांकि लंबे समय से जिला बनाने की मांग जारी थी, लेकिन ऐसे में अगर मंत्री बोलते हैं कि मैं पद छोड़ दूंगा, साथ ही वो मंत्री जो मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं, ऐसे में आगे क्या? बिल्कुल ही चौंकाने वाला बयान है, क्योंकि अशोक गहलोत ने जो जिलों के गठन को लेकर पहले से ही जो है नई आयोग समितियों को ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। निर्देश ये दिए हैं कि जहाँ जहाँ आवश्यकता हो, जो केपेबल हो, वहाँ उसकी रिपोर्ट सौंपी जाए। तो सरकार अपने स्तर पर प्रक्रिया कर रही है, लेकिन जब आप गृह राज्य मंत्री हो, आपके पास हायर एजुकेशन का जिम्मा है, ऐसे में अगर आप ये कहते हैं कि मैं मंत्री पद भी छोड़ूंगा और विधायक पद भी छोड़ूंगा, ये एक तरीके से अपनी बात को मनवाने का एक तरीका हुआ। हालांकि ये अशोक गहलोत के करीबी हैं, और जब इन्होंने बयान दिया है उसके बाद से कोई बाइट इनकी अभी तक मीडिया में नहीं आई है। ये बयान देने से बच रहे हैं, तो हो सकता है कि ये इस मामले में आगे कोई बयान सुने, लेकिन निश्चित तौर पर एक के बाद एक जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस के मंत्री विधायक सरकार को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, वो वाकई पार्टी के लिए चिंता का विषय है। जी बिल्कुल सुशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और चलिए इसी के साथ मेरा देश मेरा प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।